हेलो दोस्तों, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पार्ट 13 का ये वीडियो examfear.com की तरफ से। अब एग्जाम से कोई डर नहीं। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। अभी तक हमने देखा कार्बन के अलग अलग कंपाउंड्स, उनके IUPAC नेमिंग। अब बात करते हैं कि कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज, किस तरीके से कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है या दूसरे चीजों के साथ रिएक्ट करता है। तो इसमें हम मेनली चार तरह के रिएक्शन की बात करेंगे। एक तो कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये चार कैटेगरी के रिएक्शन के बारे में ही हम बात करेंगे कुल मिला के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंबशन की। तो अब बात करते हैं पहले केमिकल प्रॉपर्टी की, जो कि है कंबशन। कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म्स बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विथ रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। तो कंबशन का मतलब ही होता है कि कार्बन ऑक्सीजन में जब बर्न होता है तो वो क्या प्रोडक्ट देता है, जिसको हम कहते हैं कंप्लीट कंबशन। जब पूरी तरह से बर्न हो जाता है तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारा हीट एंड लाइट। ये मेजरली इसके प्रोडक्ट्स होते हैं। चाहे कार्बन किसी भी फॉर्म में हो, बट प्रोडक्ट्स मोस्टली यही होते हैं। और यही कारण है कि कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स जो है उनको हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं। क्योंकि फ्यूल क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो हमें बहुत सारा एनर्जी दे सके, जिसको हम दूसरे दूसरे कामों के लिए यूज कर सकें, राइट। तो अब जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं, जैसे खाना बनाने के लिए अगर आप विलेजेस, गांव देहात में जाओगे तो आप देखोगे कि लोग जो है कोयले का यूज करते हैं, उसको जला के उसमें से जो हीट निकलती है उसको यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि कोल क्या है, उसमें कार्बन है। तो कार्बन को जब हम बर्न करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और साथ में बहुत सारा हीट और लाइट मिलता है, और इसी हीट एनर्जी को यूज करके हम कुकिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोल इस वजह से एक अच्छा फ्यूल है। इसी तरीके से जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं, चूंकि वो बहुत सारा हीट एनर्जी जनरेट करते हैं, इसलिए वो फ्यूल की तरह काम आते हैं। तो इसको अगर हम रिएक्शन के तौर पे देखें तो कुछ इस तरीके से है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट। अब जैसे ये तो कार्बन हो गया, अगर कार्बन कंपाउंड की बात करें, जैसे मीथेन प्लस ऑक्सीजन, तो ये देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट। तो कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स दोनों ही जो है काफी सारा हीट और लाइट देते हैं, जिसकी वजह से उनको हम फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। किसी और कंपाउंड को भी अगर देखें कार्बन के, तो हम देखेंगे कि इथाइल अल्कोहल, इसको भी ऑक्सीजन के साथ अगर कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट एंड लाइट। अब यहाँ पे हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, और वो है ब्लू फ्लेम एंड ब्लैक स्मोक। टेबल वगैरह देख के आपको बहुत खिचपिच लग रहा होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ है ऐसा लग रहा होगा, बट एक बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। आप में से कितने लोगों ने, आई एम श्योर आप में से सभी ने ये नोटिस किया होगा कि आपके किचन के अंदर जो गैस रहती है, जिसमें खाना बनता है, गैस स्टोव जो रहता है, उसके ऊपर का जो फ्लेम है वो कुछ इस तरीके का होता है देखने में, जैसा कि इस फोटो में है, ब्लू कलर का फ्लेम होता है, राइट। ये आपने नोटिस किया होगा। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि नॉर्मली अगर आप थोड़े गांव देहात टाइप के जगह में चले जाओ, छोटे स्लम एरियाज में चले जाओ, वहां पे अगर लकड़ी के ऊपर खाना बनते हुए आपने देखा है, तो वहां की जो फ्लेम होती है वो आपने देखा होगा येलो फ्लेम होता है, राइट। कैंडल का फ्लेम भी देखा होगा, उसका कलर येलो होता है, लेकिन जो गैस स्टोव के ऊपर का फ्लेम होता है वो ब्लू होता है। तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे यही ब्लू फ्लेम और येलो फ्लेम के बारे में, कि कब ब्लू फ्लेम आता है और कब येलो फ्लेम आता है, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। और अब आप सोच होंगे कि ये हम सडनली यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये कंबशन से रिलेटेड है, ये टॉपिक कंबशन से रिलेटेड है, और यहां पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बहुत बड़ा रोल है। तो यहां हम बात करते हैं, होता यह है कि जब हम पहले हम बात करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, जैसे कि एल्केन्स, राइट। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो इसमें दो कैटेगरी के हाइड्रोकार्बन्स अभी तक हमने पढ़े, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब ये जो फर्क आता है ये बेसिकली इसलिए आता है कि कंबशन किस तरह का हुआ है,
कंप्लीट कंबशन हुआ है या इनकंप्लीट कंबशन हुआ है, तो हम यही चीज अभी पढ़ेंगे। तो हम ऐसा देखते हैं कि जब कंप्लीट कंबशन होता है, जैसे कि पहले बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, CnH2n+2। तो ये जनरल फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखा ताकि अभी मैं जो समझाने वाली हूं वो थोड़ा इजी हो जाए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन का जो परसेंटेज है वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में। अब जैसे अगर हम अनसैचुरेटेड का लिखें तो इसका फॉर्मूला, इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है CnH2n या फिर CnH2n-2। तो अनसैचुरेटेड के केस में अगर कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपेयर करें उस हिसाब से, सैचुरेटेड के केस में कार्बन जो है वो कम है, हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा है कंपैरेटिवली, राइट। तो इस वजह से चूंकि कार्बन यहां पे कम है, परसेंटेज ऑफ कार्बन यहां पे लो है सैचुरेटेड के केस में, लेकिन अनसैचुरेटेड के केस में क्या है, कंपैरेटिवली हाई है। यहां पे मैं सिर्फ कंपैरेटिवली बता रही हूं, ठीक है। तो चूंकि कम परसेंटेज ऑफ कार्बन है तो अगर हम इसको सफिशियंट ऑक्सीजन सप्लाई में बर्न कराते हैं तो क्या होगा, कंप्लीट कंबशन। क्योंकि जितना कार्बन है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ कार्बन बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा कम है, तो जितना कार्बन है वो पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाएगा सफिशियंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि क्या होगा, कंप्लीट कंबशन। और जब कभी भी कंप्लीट कंबशन होता है तो उसका रिजल्ट होता है ब्लू फ्लेम। तो आज के बाद कहीं पे भी अगर ब्लू फ्लेम दिखे, जैसे जो कि हमें नॉर्मली अपने किचन के गैस स्टोव के ऊपर दिखता है, वो ब्लू फ्लेम हमेशा होता है कंप्लीट कंबशन में, यानी कि सफिशियंट ऑक्सीजन है, कार्बन थोड़ा कम है, जिसकी वजह से पूरा कार्बन कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो चुका है, उसको हम कहते हैं कंप्लीट कंबशन। और जहां कंप्लीट कंबशन वहां ब्लू फ्लेम, और जहां ब्लू फ्लेम वहां पे नो स्मोक। इसीलिए देखा होगा कि जो किचन में जो ये ब्लू फ्लेम जब आता है उसके साथ बहुत ज्यादा स्मोक नहीं आता है, कोई ब्लैक कलर का स्मोक नहीं होता है। अब बात करते हैं येलो फ्लेम की, ये जो येलो फ्लेम है ये कब आता है, जाहिर सी बात है जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है। अब इनकम्प्लीट कंबशन कब होगा, जब ऑक्सीजन का सप्लाई इनसफिशियंट हो, कम है, ऑक्सीजन ही कम है। अब अगर ऑक्सीजन ही कम है तो जाहिर सी बात है कि कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाएगा। अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी कर रहे हैं बट स्टिल उसमें कार्बन का परसेंटेज कम है लेकिन ऑक्सीजन और भी कम है, तो कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाएगा। जहां इनकम्प्लीट कंबशन वहां येलो फ्लेम, और येलो फ्लेम के साथ हमेशा रहता है ब्लैक स्मोक, और इसी ब्लैक स्मोक से होता है पोल्यूशन। तो इसीलिए देखा होगा आपने कि जो विलेजेस वगैरह होते हैं ना, वहां पे बहुत सारी लेडीज जो है वो कुकिंग करते हैं, जो ऐसे ही लकड़ी जला के या कोयला जला के डायरेक्टली कुकिंग करते हैं, उसमें खूब सारा ब्लैक स्मोक निकलता है, और वो ब्लैक स्मोक जो है वो ना तो एनवायरमेंट के लिए अच्छा है और ना ही उनके हेल्थ के लिए अच्छा है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट होता है ब्लू फ्लेम और येलो फ्लेम का। अब यही हम देखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ कैसे होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर जो कार्बन का कंपैरेटिव परसेंटेज होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि सैचुरेटेड के हिसाब से अब हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो कम हो गया है, तो उस कंपैरिजन में कार्बन का परसेंटेज क्या हुआ, फिर ज्यादा हो गया, राइट। तो मतलब लेट्स अज्यूम कि कार्बन हमने सेम रख दिया बट हाइड्रोजन पहले जितना था उससे हाइड्रोजन कम कर दिया, उससे और कम कर दिया, तो कंपैरेटिवली अब कार्बन जो है थोड़ा ज्यादा हो गया, राइट। तो अब इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जब हम प्योर ऑक्सीजन सप्लाई में बर्न करते हैं जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन है, तब तो कंप्लीट कंबशन होता है जिसकी वजह से ब्लू फ्लेम भी आता है। लेकिन अगर हम इसको एयर में करते हैं, क्योंकि एयर के अंदर सिर्फ प्योर ऑक्सीजन तो होता नहीं है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर के अंदर नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सब कुछ है, राइट। तो अगर हम इसको एयर में बर्न करते हैं तो एयर के अंदर जितना परसेंटेज ऑक्सीजन है उतना ऑक्सीजन सफिशियंट नहीं होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कंप्लीट कंबशन के लिए। तो इस वजह से इस केस में होता है इनकम्प्लीट कंबशन, जिसकी वजह से हमें येलो फ्लेम और ब्लैक स्मोक मिलता है। तो कुल मिला के हमें यह समझ आया कि ब्लू फ्लेम जब भी मिलता है वो क्यों होता है, कंप्लीट कंबशन से। कंप्लीट कंबशन कब होता है, जब सफिशियंट ऑक्सीजन रहे,
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए, या फिर अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो प्योर ऑक्सीजन रहे। इन्हीं केसेस में कंप्लीट कंबशन होता है। आपने देखा होगा कभी कभी हमारे जो गैस स्टोव का जो ब्लू फ्लेम है, कभी कभी देखा होगा कि अगर वो जो होल्स बने होते हैं ना इसके अंदर, अगर किसी कारण से वो होल्स ब्लॉक्ड हो जाए तो उसका ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो कम हो जाता है। उस समय वहां की जो फ्लेम है वो येल्लो आती है कभी कभी। ये आपने नोटिस किया होगा कि अगर ये जो होल्स है ना इनमें या तो गंदगी बैठ जाए या फिर उसमें कुछ घुस जाए या उसमें पानी चला जाए, कुछ भी इस टाइप का, जिससे वो होल्स ब्लॉक्ड हो जाए, तो उस केस में थोड़ी देर के लिए कभी कभी वो येल्लो फ्लेम आती है। तो वो येलो फ्लेम जो है वो उसी लिए आती है क्योंकि वहां पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है ड्यू टू लैक ऑफ सफिशियंट ऑक्सीजन। तो कंप्लीट कंबशन जो है, कंप्लीट कंबशन का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है होम कुकिंग, जहां पे गैस स्टोव के अंदर जो इनलेट्स बने होते हैं एयर के लिए, जिसके थ्रू सफिशियंट ऑक्सीजन आता है, जिसकी वजह से कंप्लीट कंबशन होता है। और इनकम्प्लीट कंबशन का बेस्ट एग्जाम्पल है चूल्हा कुकिंग, जो जनरली विलेजेस या स्लम एरियाज में देखने को मिलता है। अब बात करेंगे हम ऑक्सीडेशन की। तो अभी तक हम बात कर रहे थे कंबशन की, अब बात करेंगे ऑक्सीडेशन की। तो ये ऑक्सीडेशन और कंबशन में एक फर्क होता है जो अच्छे से समझ जाना चाहिए हमें। ऑक्सीडेशन होता है कंट्रोल्ड कंबशन। कंबशन में क्या होता है, ऑक्सीजन में हमने उस पर्टिकुलर कंपाउंड को बर्न कर दिया। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि होता है ये कंबशन ही है, बट ये कंट्रोल्ड कंबशन है। तो चूंकि ये कंट्रोल्ड है तो हम यहाँ पे पूरी तरह से उसको कंबशन अंडरगो करने नहीं देते हैं। उस वजह से यहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलता है, बल्कि एक कोई दूसरा कंपाउंड मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हमारे पास है, इसको हम ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं और अब हम कंट्रोल्ड तरीके से कंबशन होने देते हैं, जिसकी वजह से हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोडक्ट नहीं मिलता है, बल्कि कोई नया कंपाउंड मिल जाता है। और इसके साथ में हीट तो मिलता है, लेकिन कम हीट मिलता है। लेकिन यही अगर इसको हम कंप्लीट कंबशन होने दे, पूरी तरह से कंबशन होने दे, तो यहाँ पे हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और साथ में बहुत सारा हीट, लाइट सब मिलेगा, राइट? तो एक एग्जाम्पल इसका जो काफी कॉमन एग्जाम्पल है वो है अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया अल्कोहल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको जब हम ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे मान लेते हैं इथाइल अल्कोहल है, इसको अगर हम ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन होने दें इसका, तो यहाँ पे हमें मिलता है CH3COOH प्लस H2O। तो ये क्या है, ये हो गया इथेनॉइक एसिड। तो इथाइल अल्कोहल से हमें इथेनॉइक एसिड मिलता है और थोड़ा बहुत हीट मिलता है, बट ऑब्वियसली वो हीट जो है वो कंबशन से कम होता है। तो ये होता है ऑक्सीडेशन। तो सिंपल शब्दों में ऑक्सीडेशन इज कंट्रोल्ड कंबशन। चूंकि कंट्रोल्ड कंबशन है तो हीट भी जो है वो कंबशन के हिसाब से काफी कम निकलता है यहाँ पे। और कंबशन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लास्ट प्रोडक्ट होता है, एंड प्रोडक्ट। इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो कि कोई बीच का कंपाउंड, मतलब कोई नया कंपाउंड होता है। इसके बाद बात करेंगे हम एडिशन रिएक्शन की। एडिशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंबाइन विद अनदर सब्सटेंस टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। तो ये एडिशन रिएक्शन जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि एल्केन्स अंडरगो नहीं करते हैं। जैसे कि हमें पता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं, तो एनीवेज वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव तो होते भी नहीं है। तो एडिशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये किसी दूसरे सब्सटेंस जैसे कि क्लोरीन हो गया या हाइड्रोजन हो गया या ब्रोमीन हो गया या आयोडीन हो गया, कोई भी दूसरे सब्सटेंस के साथ मिल करके एक कुछ नया बनाते हैं, ठीक है? ये होता है एडिशन रिएक्शन। तो एक बहुत कॉमन एग्जांपल एडिशन रिएक्शन का होता है जिसमें एल्कीन से हमें एल्केन मिलता है, जैसे कि इथीन से हमें इथेन मिलता है। और ये कब मिलता है, जब हम एल्कीन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं। तो एल्कीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके एल्केन देता है। तो इसको, इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन के ऐड करने पे इतना बड़ा चेंज आता है, मतलब एल्कीन से एल्केन बनना, दैट इज अ बिग डील, बहुत बड़ी बात है, राइट? इनफैक्ट इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी।
जो बनता है वो भी हाइड्रोजिनेशन से ही बनता है. जब वेजिटेबल ऑयल के साथ हम हाइड्रोजन कंबाइन कराते हैं तो हमें मिलता है वेजिटेबल घी. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडिशन रिएक्शन. अब जब हम बात कर रहे हैं एडिशन रिएक्शन की, यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट आता है जिसका नाम है ब्रोमीन वाटर टेस्ट. ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे किसी भी एक, अगर हमें कोई भी एक कंपाउंड दिया हुआ है, हम बता सकते हैं कि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या नहीं. तो देखते हैं कि इस टेस्ट में क्या होता है. इस टेस्ट के अंदर यह होता है कि अगर हम ब्रोमीन वाटर को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ मिलाते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो बेसिकली ब्रोमीन वाटर जो होता है ये रेड कलर का होता है. जब भी हम इसको किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मिलाते हैं तो उसके बाद जो रिजल्ट होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, जिसकी वजह से ये कलरलेस हो जाता है. तो ब्रोमीन वाटर का रेड कलर गायब हो जाता है. तो यानी कि जब कभी भी ब्रोमीन वाटर डीकलराइज हो जाए किसी कंपाउंड के साथ मिलके, इसका मतलब है कि वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. तो अब दूसरा सवाल ये उठता है कि हम इस टेस्ट को कंडक्ट कैसे करते हैं. जैसे अगर हमारे पास एक कंपाउंड है, मुझे पता करना है कि भाई ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या नहीं, तो हम पता कैसे करेंगे. इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ब्रोमीन को ऐड करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, और अगर इससे ब्रोमीन वाटर डीकलराइज हो जाता है इसका मतलब वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अगर मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और हमें टेस्ट करना है कि क्या वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. अब उतने सारे हाइड्रोकार्बन में अगर हम ब्रोमीन ऐड कर देंगे क्या होगा, हमें पता तो चल जाएगा कि हाँ ये अनसैचुरेटेड था, बट वो सारा का सारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा. राइट, तो मतलब हमारा पूरा का पूरा एक नया चीज बन जाएगा. तो इसीलिए टेस्ट करने के पर्पज से हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सैंपल लेते हैं और उसको ब्रोमीन वाटर में डालते हैं, ना कि पूरे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ब्रोमीन वाटर डालते हैं. उस कंपाउंड का थोड़ा सा पार्ट लेके, थोड़ा सा सैंपल लेके हम ब्रोमीन वाटर में ऐड करते हैं. अगर इससे ब्रोमीन वाटर डीकलराइज हो गया, इसका मतलब है यस, वो जो हमारा सैंपल था वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही था. ठीक है, तो इस तरीके से ब्रोमीन वाटर टेस्ट को हम कंडक्ट करते हैं. अब बात करेंगे हम चौथे टाइप के रिएक्शन की, जो कि है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन वर्ड का तो मतलब ही ये होता है कि कोई किसी को रिप्लेस कर देगा, कोई किसी को सब्स्टिट्यूट कर देगा. हमने अभी तक पढ़ा था कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं, जैसे वो एडिशन रिएक्शन भी नहीं करते हैं. राइट, तो लेकिन जब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फिर से अनरिएक्टिव होते हैं अधिकतर रिएजेंट्स के प्रेजेंट में. लेकिन अगर सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन ऐड किया जाए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ, तो उस केस में देखा जाता है कि क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करने लगता है. बट ऐसा कब होता है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन काफी लेस रिएक्टिव है, इतना जल्दी वो रिएक्ट नहीं करते हैं. लेकिन अगर सनलाइट के प्रेजेंस में उनमें क्लोरीन ऐड किया जाए तो हाइड्रोजन एटम्स जो है वो रिप्लेस होते हैं. कैसे होते हैं देखते हैं. मान लेते हैं मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो यहां से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और उसका जगह कौन ले लेगा, क्लोरीन. तो ये बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड. ठीक है, अब ये जो है इसके साथ अगर हम फिर से क्लोरीन ऐड करेंगे सनलाइट के प्रेजेंस में तो क्या होगा, ये क्लोरीन जो है फिर से एक हाइड्रोजन को हटा देगा, तो ये बन जाएगा CH2Cl2. ठीक है, इस कंपाउंड के साथ अगर हम फिर से क्लोरीन ऐड करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में तो फिर से ये एक हाइड्रोजन को हटा देगा और बन जाएगा CHCl3. इसके बाद भी अगर हम फिर से क्लोरीन ऐड करेंगे तो ये बचा खुचा एक हाइड्रोजन को भी हटा देगा और ये बन जाएगा CCl4. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास था CH4 और बन गया CCl4. पूरा का पूरा सारा का सारा चारों हाइड्रोजन का एटम हटा के क्लोरीन ने उसकी जगह ले ली. तो ये एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का. लेकिन वही है कि कोई भी रिएक्शन को होने के लिए सूटेबल कंडीशंस होने चाहिए. जैसे यहां पे क्लोरीन का के साथ ये जो मीथेन का रिएक्शन है, ये इनफैक्ट कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो रिएक्शन है ये तभी पॉसिबल होता है जब हम इसको सनलाइट के
प्रेजेंस में होने देते हैं. अब हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे. जैसे कि पहला क्वेश्चन, व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. इथेनॉल यानी कि C2H5OH इथेनॉल से बनता है इथेनॉइक एसिड CH3COOH. ये जो कन्वर्जन है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है? क्योंकि हम देख सकते हैं कि इस कन्वर्जन के दौरान ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड ऑक्सीजन गेन कर रहा है. तो इसको जब हम ऑक्सीजन गेन करवा रहे हैं, हम देख सकते हैं पहले इसमें एक ही ऑक्सीजन था, अब जो है इसमें ज्यादा ऑक्सीजन है, राइट. तो चूंकि इस प्रोसेस के दौरान, इस रिएक्शन के दौरान ये कंपाउंड ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो इसीलिए जाहिर सी बात है ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. और इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज होते हैं. मतलब इस तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बिना कभी भी मुमकिन नहीं होता है. तो इसमें हम किस तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करते हैं? जो कॉमनली यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं वो होते हैं KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7. इस तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के प्रेजेंस में ही इस तरह का रिएक्शन होता है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग. तो एक इथाइन जो है कुछ यूं होगा, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा और इसके साथ हम ऑक्सीजन मिक्स कर रहे हैं. कैन यू टेल व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड? क्योंकि इथाइन क्या है? इथाइन है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. और हमने क्या पढ़ा था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर हमें अब वेल्डिंग करना है, राइट, तो वेल्डिंग के लिए हमें क्या चाहिए? वेल्डिंग करने के लिए हमें खूब सारा हीट चाहिए, ज्यादा हीट चाहिए, राइट. तो ज्यादा हीट के लिए हमें किस तरह का कंबशन चाहिए? कंप्लीट कंबशन या इनकम्प्लीट कंबशन? ज्यादा हीट के लिए हमें चाहिए कंप्लीट कंबशन, राइट. अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑलरेडी है और इसका कंप्लीट कंबशन जो है ये एयर में कभी नहीं होगा, क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऑलरेडी कार्बन का परसेंटेज ज्यादा होता है. तो एयर के अंदर ऑलरेडी और भी बहुत सारे गैसेस होते हैं, तो सफिशियंट ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है. तो जब ये प्योर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तभी होगा कंप्लीट कंबशन. और जब कंप्लीट कंबशन होगा तो क्या होगा इसका रिजल्ट? इसका रिजल्ट होगा मोर हीट और ब्लू फ्लेम, मोर हीट और ब्लू फ्लेम. लेकिन अब यही अगर हम इसको एयर के साथ कंबाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा इनकम्प्लीट कंबशन, जिसकी वजह से इस केस में आएगा येलो फ्लेम और लेस हीट. तो यहां पे जो हमारी सिचुएशन है उसमें हमें लेस हीट तो चलेगा ही नहीं, फिर वेल्डिंग हो ही नहीं पाएगी, तो इसीलिए हमें इसको प्योर ऑक्सीजन के साथ ही मिक्स करना पड़ेगा. एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन जो है वो सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ही अंडरगो करते हैं. तो जैसा कि हमने देखा था कि एडिशन रिएक्शन जो है ये अंडरगो करता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है. तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वो तो वैसे ही अनरिएक्टिव होते हैं, तो वो एडिशन रिएक्शन अंडरगो नहीं करते. तो यानी कि इसमें से हमें ढूंढना पड़ेगा कि अनसैचुरेटेड कौन से हैं. तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर आता है एल्कीन, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, और एल्काइन, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है. तो देखते हैं इसमें से कौन से सैचुरेटेड है और कौन से अनसैचुरेटेड. C2H6 ये आता है CnH2n+2. हम देख सकते हैं अगर n की वैल्यू 2 है तो उस केस में अगर ये अनसैचुरेटेड होगा तो इसका होना चाहिए C2H4 या फिर C2H2, लेकिन ये C2H6 है तो ये अंडरगो नहीं करेगा. C3H8, अगर C की वैल्यू 3 है तो ये होना, या तो C3H6 होना चाहिए नहीं तो C3H4 होना चाहिए, लेकिन ये C3H8 है तो ये भी अंडरगो नहीं करेगा. C3H6 अंडरगो करेगा, C2H2 यस अंडरगो करेगा, CH4 अंडरगो नहीं करेगा. तो ये दो ही ऐसे कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं जो एडिशन रिएक्शन अंडरगो करेगा. एक और आखिरी क्वेश्चन इस टॉपिक का. गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट केमिकली बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल. जो बटर होता है ये होता है सैचुरेटेड,
और जो कुकिंग ऑयल होता है ये होता है अनसैचुरेटेड. तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में हम डिफरेंशिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट. तो दोनों के साथ हम ब्रोमीन वाटर मिला सकते हैं जिसके साथ ये डीकलराइज हो जाएगा. मतलब ब्रोमीन वाटर को जब हम मिलाएंगे सैचुरेटेड के साथ तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन. लेकिन जब ब्रोमीन वाटर को हम मिलाएंगे अनसैचुरेटेड के साथ यानी कि कुकिंग ऑयल के साथ तो क्या होगा, डीकलराइजेशन, जो कि भी ये प्रूव करेगा कि कुकिंग ऑयल जो है ये अनसैचुरेटेड है. तो दोनों के साथ ब्रोमीन वाटर मिलाओ, जहां पे भी डीकलराइजेशन हो जाए वो अनसैचुरेटेड है यानी कि वो कुकिंग ऑयल है. थैंक यू. क्लास 6 से लेकर के 12th तक के मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश ग्रामर, साइंस एक्सपेरिमेंट्स और मोटिवेशनल वीडियोस को फ्री में देखने और पढ़ने के लिए ज़रूर विजिट करें examfear.com और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक यू वंस अगेन.